Hey, my dear class 6 students, welcome back to your very own Baiju 8 channel. Today, we are here with another one-shot session, and today it's electricity and circuits. You guys keep asking, Sir, class 6 session, Right? Today, we are here with electricity and circuits in one shot, means in this one video. और इन दिस वन सेशन विल फिनिश दिस चैप्टर है ना अच्छे से खत्म हो जाएगा जस्ट लिसन है ना सो लिशन केयरफुल्यू हैदित्य यू आर न्यू पीपल इफ यू आर न्यू यू नो व्हाट टू डू है ना भाई सब्सक्राइब कर दो भूलना मत बिकॉज नहीं तो क्या है के? बहुत कुछ मिस हो जाता है राइट Yes, quiz will do Vashtami. Don't worry. It's in, it's in line. We have everything planned. I gave you a plan, no, we have done a session for you. What is the next uh, 75 days, 90 days plan? Accordingly, we'll do everything. Don't worry. Hello, good evening. Good evening. <coughs> Alright. Chalo, dekho. go Electricity and circuits. Chapter is very easy. At least for this particular grade, it's very easy. Right? फ्यू थिंग्स टूडे आई टेल यू विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्प है ना ओलंपियाड लेवल के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा क्योंकि पीपल हु नो मी तुम लोग जानते हो कि आई आई यूजली एंड अपीचिंग यू लिटल एक्स्ट्रा एंड बाई दीपल माई नेम इज सॉरअप यू डोंट नो मी ठीक है वेरी गुड ऑल राइट ऑल राइट गाइज क्या बोलते हो चालू किया जाए यस डॉल वेरी कंफ्यूज दिस्टों एंड ऑफ दिस सेवरीथिंग इन दिस चैप्टर ठीक है इस चैप्टर के एंड तक अगर तुमको समझ नहीं आया देन इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तभी तुमको समझ नहीं आया वरना दिस चैप्टर इज वेरी इजी आज आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू द फील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चीज हमको दिखती नहीं है वी आर सो डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी लेकिन हमको पता समझ नहीं आता क्यों क्योंकि वो बुक में है जब तक वो टीवी में है बढ़िया लगता है जब तक वो वीडियो गेम में है मस्त लगता है बट द मोमेंट इट कम्स इन टू बुक इट लाइक अरे यार इलेक्ट्रिसिटी टुडे विल ब्रेक दिस थिंग ओके विल अंडरस्टैंड इट पक्का ऑल राइट right? अगर नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया तो हम मिलेंगे अलग से फिर ऑल राइट right, चलो के साथ डोंट वरी पक्का वेरी गुड चलो भाई ऑल राइट चलो आगे चलते हैं सो छोटा सा चीज अगर इफ न्यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत कुछ मिस कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब सेशन होते हैं ठीक है, है? सब्सक्राइब कर दो अभी रेड बटन और बगल में घंटा है उसके बजा दो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ठीक है एंड बाय द वे इज जस्ट नेक्स्ट टारगेट कितना हो गया है हम लोग कितना पहुंच गए अभी जल्दी बताओ कितने पर है थैंक यू दृष्टि हेलो समीक्षा फोर्टी वन है ना 41.7 ऑलमोस्ट नाइन के मोर वी वांट है ना इन के जल्दी हो जाएंगे क्या बोलते हो वट इज योडिक्शन कितना टाइम और लगेगा नाइन के होने में एनी प्रोडिक्शन एनी बडी वॉन्ट्स टू प्रोडिक्ट किसी को भविष्यवाणी करनी है वन मंथ ओके ना वन वीक एम्बिश फाइव डेज ओ हा ऑल राइट ऑल राइट चलो देखते हैं ठीक है अपने अपने आंसर्स याद रखना डे वी रीच फिफ्टी यू टेल मी के सर मैंने यह बोला था देखो ठीक है रिमेंबर योर आंसर आज हमने करी है फ्यूचर फोरकास्टिंग देखते हैं क्या होता है चलो ठीक है बट यू हैव टू वर्क टूगेदर फॉर दिस चलो भाई एंड नेक्स्ट इज फॉर इंडिया नेक्स्ट क्विज मास्टर यू हैव सीन एटीन नवंबर को खुशबू मैम कृति मैम ने सेशन लिया था आपने देखा था सेशन बहुत बढ़िया था ना? वैसा ही एक और सेशन जिसमें कि यू कैन कम लाइव विद अस इन अ ट्यूब सेशन अपॉर्चुनिटी है आपके पास ठीक है यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर ठीक है इज अ फॉर्म गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है उसमें अपना डिटेल्स भर दो और क्या होगा यहां एक लकी ड्रॉ होगा एंड विल सेलेक्ट फ्यू नेम्स एंड विल कॉल देम ठीक है आपको कॉल जाएगा पहले जाएगा आप अपना दिन प्लान कर पाओगे डोंट वरी गुड इवनिंग प्रवीण राइट ठीक है

फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स आई बुद्ध से ग्रैंड पेरेंट से या और पुरानी जनरेशन से सुनते होंगे कि ऐसे ना लालटेन या टेबल लैम्प में पढ़ा करते थे टेबल लैम्प भी नहीं मोमबत्ती कैंडल्स में पढ़ा करते थे लालटेन होती थी उस टाइम पे राइट सो so, ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं रात में हम लोग अगर गर्मी होती थी छत पे सोते थे पंखा ऐसे ऐसे करते हुए थिंग्स right? है ना दिए में पढ़ते थे करेक्ट फाइन सो इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग विच इज लाइक अ बोन टू अस वॉट एवर वी आर डूइंग ना वट इज एवरीथिंग इज विद इलेक्ट्रिसिटी राइट सो हमको एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस जो चीज़ हम इतना डिपेंडेंट है जिस चीज पर राइट वी आर सो डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे सोचो अगर यू आर लिविंग इन डेली मान लो जुलाई का महीना है एज्यूम जस्ट एज्यूम जुलाई का महीना है यू आर लिविंग इन डेहली है ना आपका घर है टॉप फ्लोर पे और लाइट चली गई है ट हैव अवर बैकअप अब सोचो जरा एक बार इमेजिन आखिर बन करो सबकेज एवरीबडी जस्ट क्लोज यर आइज एंड इमेजिन फॉर अ सेकेंड हाउ वूड यू फील इफ यू आर इन डेली ऑन टॉप फ्लोर जुलाई मंथ एंड आई नो डिफिकल्ट होगा अभी ठंडी हो गई है राइट है ना यस करेक्ट इट्स 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 सो डिफिकल्ट टू एज्यूम इट नो इतना गर्मी हर तरफ गर्मी उधर मच्छर इधर उधर उधर यूव एक्सपीरियंस डेट आ यू आर ऑलरेडी फ्रॉम डेली

तो अब इसको समझते हैं राइट ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड इट नाइसली चलो ठीक है इसको समझते हैं अब लेट्स टेक अ स्मॉल केस केस एक छोटा सा लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है है ना कि फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग टेलीविजन ओके ओके अब पता नहीं आजकल तो बच्चों को मेरे को लगता है यू डोंट गेट टाइम टू वॉच टेलीविजन अलॉट है ना टाइम नहीं मिलता होगा है ना सही बात है स्कूल से आए ट्यूशन या फिर लाइव क्लासेस या फिर यूट्यूब पे क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस योगा क्लासेस जिम वो सॉरी स्विमिंग क्लासेस प्लेइंग फुटबॉल टेनिस पियानो बहुत कुछ लगा रहता है राइट right? है ना सही बात है तो टाइम तो नहीं मिलता है आई नो यू युगा इज आर वेरी बिजी वेरी वेरी बिजी हम तो बहुत खाली हुआ करते हैं अपने टाइम में सही बताऊँ तो येस yes, है ना वेरी हैवी वर्क नाउ मान लेते हैं चलो एक दिन आप टेलीविजन देखने बैठे यू इज सैट टू वॉच टेलीविजन यू जस्ट ओपन द चैनल एंड यू आर सींग रिमोट इज नॉट वर्किंग क्या करते हो पहले पहला काम क्या करते हो अगर रिमोट नहीं चल रहा है क्या करते हो एक्सपेक्ट नो संू डू यू डू बिकॉज ऑफ द सेल इज फिनिश्ड बैटरी चेक सेल्स ये करते हो? अ गुड आंसर यू हिट इट भाई मैं तो यही करता हूं आल्टेली पटा देते <laughs> I'll tell you, that's what I do. नहीं चल रहा ना पहले तो अब हाँ, अब नहीं अब उसके बाद सो चेकिंग द सेल इज द नेक्स्ट स्टेप वी आर चेकिंग फॉर लूज कनेक्शन फर्स्ट है ना पहला काम तो हम यही करते हैं ऐसे अरे नहीं चल रहा अच्छा ओह सेल ही डाउन है सो दिस इज समथिंग वी ऑल डू यस है ना यू एवरीबॉडी डज इट आई नो आई नो हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता कि पहले सेल ही चेक कर लेते हैं साइंस क्लास थोड़ी चल रही है वी ऑल आर वेरी मच हैबिचुअल विद दिस कि पहले पटके देखते हैं अच्छा अब शायद सेल डाउन होगा ठीक है यस yes.

लास्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग ठीक है सो द मेटल कैप सेल देखा है किसी ने एक बात सच बताना डू यू नीड टू सी द साइन और डू यू नो भाई पॉजिटिव कौन सा होता है निगेटिव कौन सा होता है डू वी ऑल नो विदाउट लुकिंग एट द प्लस एंड माइनस साइन कि भाई सर दिस एंड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव दिस एंड इज कॉल्ड एज नेगेटिव डू यू नो ऐसे इन वन फोर्टी फोर पीओके दिश आर नाइस वन है है ना one is positive, okay, but listen to me, है ना आपको पता है very good, बहुत अच्छे देखो metal cap, cell के अंदर दो चीजें होती हैं कैसा होता है cell? देखो ये रहा रहा निकाल मैं इसको नहीं क्या करेंगे इसी चल है ठीक है सो सेल लुक्स लाइक दिस आई सिमिलर काइंड ऑफ सेल ये जो कैप वाला पोर्शन है ना दिस वन वेयर देर इज अ प्रोट्रूजन जहां ऐसे ऊपर की तरफ कैप निकला हुआ है ये होता है प्लस

एंड मेटर डिस्क इज दर्मिनल ओके ठीक है बारे में बात करते हैं इफ आई टेल यू सेल इज अगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ठीक है एक और एक और क्वेश्चन सेल प्रोवाइड चार्ज ट्रू और फॉल्स सेल इज अस ऑफ चार्ज ट्रू और फॉल्स आई एम आस्किंग यू यूजली आई एंड ऑफ क्लास टेंथ वाले बच्चों से पूछता हूं मैं ये आई एम आस्किंग यू ट्रू और फॉल्स ट्रू कोई बात नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप बताओ ना क्या दिक्कत है ना False, true. Oh, it's okay, it's okay. I think true, हाँ. Huh? <laughs> AC अरे नहीं, Bangalore है यहाँ अंदर स्टूडियो में गर्मी है. All right, हाँ, very good. Listen to me, listen to me. See, cell is, cell does not provide charge, है ना? Cell charge provide नहीं करता. है. क्या provide करता है sir? Energy. ऐसे समझ लो कि electron स्टार्ट होता है मान लेते हैं एक टर्मिनल से है ना इलेक्ट्रॉन पूरे वायर में गया इलेक्ट्रॉन एक साइड से चालू हुआ और ऐसे पूरा पूरा सर्किट कवर करके एक दूसरे टर्मिनल पे आया एकदम थका हरा एक so, का काम क्या है टू गिव एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन यू गिव एनर्जी इट गोज ओह नाइस एंड देन इट रन अगेन सो सेल इज नॉट प्रोवाइडिंग चार्ज चार्ज कहां पे है सर चार्ज तो वायर के अंदर ऑलरेडी है जो कंडक्टर है हमारा कंडक्टर ऑलरेडी हैज अ चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेल ने क्या किया सेल ने उन इलेक्ट्रॉन्स को बस एक रीजन दिया एक डायरेक्शन में मूव करने का गेटिंग माय पॉइंट यस है ना इट इज एनर्जी सेल ने उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक रीजन दिया सेल ओनली गेव ऑल दो इलेक्ट्रॉन इन द वायर जस्ट अ रीजन to flow in one unidirection otherwise they were moving here and there here and there here and there okay yes okay getting this this concept is very important because lot of times class 10th students also don't realize this okay yeah yeah i'll send it electrons yes Vashnav, electrons atoms have electrons no nucleus may they have protons neutrons and outside they have electrons so metals have free electrons free electrons can move here

एक रीजन बोलो उसको जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है राइट थैंक यू दृष्टि राइट हाँ वेरी गुड वेरी गुड मोबाइल इलेक्ट्रॉन वेरी गुड आ रहा है ना इट कन्वर्ट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल के अंदर क्या हो रहा है? हो रही है. उससे क्या हो 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 रहा रहा है है रही उससे सर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है मतलब डिफरेंस इन एनर्जी ऐसे मान लो कि एक साइड ज्यादा एनर्जी वाली है एक साइड कम एनर्जी वाली है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं ठीक है ये yes. अच्छा व्हाट इज बैलेंसी व्हाट इज बैलेंसी इज कितना रिक्वायरमेंट है अपना लास्ट शेयर पूरा करने के लिए वैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये बाय द वे आर राइट इट्स ओके साइंस मास्टर्स सत्य प्रकाश डीप क्वेश्चन बट एनर्जी यस इट्स ट्रांसफर नो आप यू डू सो मच वर्क यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग एनर्जी वेरी गुड ओके नाइस so the combination of two or more cells is what we call as battery so this is something simple by this remote this remote has two cells right so if let's say you have uh, for example inverter in your house if how many of you have inverters inverters commonly we call it but you, with an inverter no we have a big battery what also battery there how many of you have inverters in your house you have it huh? one chica has it

you will see that inside now there are multiple cells so if you have multiple cells you combine them such that they all support each other this setup is called as battery ok? in bangalore i don't have usually uh, electricity doesn't go that often in bangalore yes a uh, bunch of cells is what we call as battery so

चलो इतना क्लियर है आगे चलते हैं तो ये हमने पढ़ लिया द कैप इज पॉजिटिव डिस्क इज निगेटिव ओके एंथ में मैथ बहुत टफ था क्या इन सीरीज बनशी का बेसिकली वेरी गुड ठीक है यस ऑल राइट चलो भाई अब सेल कितने तरह के होते हैं टेल मी वेयर हैव यू सीन दिस वाला सेल दिस दिस बटन सेल पेंसिल सेल तो सर रिमोट में ही है वी जस्ट सॉ ये जो है ना इसके अंदर पेंसिल सेल है इन टॉय मोबाइल्स राइट रिस्ट वॉचिज में टॉय मोबाइल्स में यू हैव सीन दीज बटन सेल्स दे लुक लाइक बटन बी कॉल इन बटन सेल उथ सेल इन मोबाइल बैटरीज एंड वी है लेजर लाइटर लाइट में यस yes. अच्छा ऐसा आयशा कोई बात नहीं करेक्ट है ना भाई तो वी ऑल नो कि क्या क्या बस इनके नाम पर पे जाओ पेंसिल सर सिलेंडर वाला होता है पेंसिल सेल ये जो छोटे छोटे डिस्क बटन बटन है ना आर बटन सेल्स वी नो आर नॉट कमिंग आउट बट हां बिफोर वी यूज टू हैव दीज मोबाइल फोन्स पहले पता नहीं तुम लोग के घर में होगा कि नहीं होगा लेकिन पहले तो ऐसे आते थे जहां पर ना बैटरी अलग कर सकते थे और लगा सकते थे राइट right? है ना वेरी गुड यस साइंस मास्टर राइट यस दस वेरी गुड है ना अच्छा यू स्टिल है वेरी गुड चलो अब बात करते हैं कि बैटरीज आज जो इतने सारे सेल आ गए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में दोल्टेज पाइल वॉज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट बैटरी इन्वेंटेड बाय अलेक्सेंड्रो वोल्टा सो ही डेड He was having copper and zinc discs, I think copper and zinc disc. so he just used paper drenched in H2SO4 and he arranged the discs and this is what gave him the first battery, it looked like a cylinder only, different discs just stacked up here and there, right? yes. Who was, he was a scientist, Alessandro Volta, yeah yeah please, <laughs> yeah you're right, <laughs>

अरे का गुड क्वेश्चन बट राइट नाउ इफ आई एक्सप्लेन दिस नाउ विल गो इन सेमी कंडक्टर की बात होगी उसमें अभी बात नहीं कर सकता uh, so, यार मैं स्टैक वेरी गुड पाइल ऑफ बुक्स है ना पाइल ऑफ प्लेट्स पाइल ऑफ शीट्स इज पाइल ऑन टॉप ऑफ वन अनदर इफ यू जस्ट कीप समथिंग सो वोल्टेक पाइल बस ऐसे याद कर लो कि वोल्टेक पाइल क्या है ना इट वॉज द फर्स्ट बैटरी एवर मेड इन एलेक्सेंड्रो वोल्टा वोल्टेक वोल्टा दैट इज वोल्टेक ठीक है वोल्टा इज अ नेम वोल्टा पाइल इज अम ऑफ द बैटरी सिंपल ठीक है सेल्स ऑफ द रिमोट ना वन क्वेश्चन वट है सेल क्या होता है इफ वी आर सेल कन्वर्ट्स Chemical energy into electrical energy when cells we have to replace, what happens to them? Come on, think, think, think. Very good, nice, nice answer. Arab has a very technical answer. Ishwar, you are right, but ha. Huh. I know, Vaishnavi. Yes, I am also thinking for that. It's okay, uh, Jordan. Drained cell, okay. इट्स ओके इट्स ओके कोई बात नहीं आप जा सकते हो ना तुषा यस इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन नहीं दिस इज स्लाइटली रॉन्ग केमिकल्स खराब हो जाते हैं ओ नाइस श्योर है वेरी गुड कोई बात नहीं नाउ यू कैन स्टडी नो लूजेज इट्स केमिकल ओ हेलो सभा है ना देखो देखो हाँ सुनो सुनो यस yes, सुनो 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 सुषमा नॉट कम थिंक इट वॉज सेंचुरी आई एम नॉट ईयर याद नहीं है पे बात करेंगे रुक जाओ okay, okay, yes, yes, ठीक है सुनो so no. देखो आई टोल्ड यू सेल इज सोर्स ऑफ वॉट डैश सेल इज अ सोर्स ऑफ क्या बोला हमने सेल इज सोर्स ऑफ यस yes, एनर्जी है ना वी जस्ट अंडरस्टूड हमने अग्री किया है ठीक है इससे कोई मुकर नहीं सकता नो बडी कैन नाउ है हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे सो so, अब सोचो मैंने क्या बोला था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है सेल का काम है उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना है ना सो थिंक ऑफ और ये पता है बाइजूज ऐप के अंदर ये एनिमेशन बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है आई एम जस्ट ट्राइंग ओवर हेयर यहां पर क्या है थोड़ा सा लिमिटेशन है एनिमेशन का बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट ठीक है ध्यान से सुनो अपने सेल को सोचो कि एक एनालॉजी है ये ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं ऐसा होता नहीं है बट समझो इसको कि आपके वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं योर वायर हैव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बट वॉट योर सेल इज डूइंग इज योर सेल इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन गिविंग इट एनर्जी टेकिंग इलेक्ट्रॉन गिविंग इट एनर्जी है ना दिस इज वॉट योर सेल इज डूइंग Okay, fine. Take care. This is what we call as cell got drained up. Fine. Okay. New cell, what happens? Look look at this guy. Can someone tell me what is the difference between this guy and that guy? This guy and that guy. What is the difference? Come on, come on, tell me. That person and this person. What do you think? Difference kya? Weak and active. एनर्जेटिक यस है ना करेक्ट दिस वन इज वर्किंग एक्टिव फुल एनर्जी लेस एनर्जी सो यू आर राइट केमिकल एनर्जी गॉट ड्रेन्ड अपमिकल गॉट यूज अप है ना भाई बहुत सारा एनर्जी दे दिया अब केमिकल्स में इतनी ताकत ही नहीं है कि और एनर्जी दे पाएट वाई केमिकल्स गॉट ड्राइड अपन से वट एवर बट हाथ जस्ट साइकोलॉजिकली और मेटाफॉरिकली यू कैन जस्ट थिंक भाई डिफरेंस क्या हो रहा है दिस सेल इज न्यू एंड एक्टिव इट हैज मोर एनर्जी लेस एनर्जी ठीक है यस yes. हाँ वो वाला थक गया है लेजी पर्सन नहीं बोलेंगे आई वुड से टायर्ड पर्सन है ना ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ ओल्ड सेल वर्सेज न्यू सेल समझ में आया सी ऑल दिस आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल दिस एज सच कैन टेल यू के भाई ओल्ड सेल में केमिकल्स गेट ड्रेन अपनर्जी ऑफ यूज एंड न्यू सेल हैल दे हैव सो मच केमिकल एनर्जी टू गिव बट आई एम जस्ट टीचिंग दिस बिकॉज सो दू है आइडिया ठीक है आप बता सको किसी को ठीक है क्लियर ये अंडरस्टूड बढ़िया है ना ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला आगे चलते हैं ठीक है नेट्स इजी राइट राइट वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी इज आउट Let's see, हम घर में बैठे हुए हैं, है ना हम लेट से हिट द रिमोट नहीं तो हिट द रिमोट नो नथिंग इज जस्ट सम लूज कनेक्शन सो व्हेन यू हिट नो समाइम ज्वाइन सो सडनली लाइट ऑफ है ना सडनली देयर इज लाइट ऑफ ओके नाउ यू थॉट कुड हैपन लाइट चली गई नहीं यार विल टेल यू क्या होता है लाइट चली गई यू लुक फ्रॉम द विंडो यार पड़ोसी की लाइट तो आ रही है है ना बगल वाले की तो लाइट आ रही है इसका मतलब लाइट यार हमारी ही गई है कुछ तो प्रॉब्लम है राइट हेलो यस हेलो लक्ष्मी अरे वाह दर्शन ऑल द बेस्ट एवरी टाइम इट वर्क वील यूज टॉर्च बट दिस इज हाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपन अगर लाइट गई और मेरे को दिख गया एन एफ आई गेट टू नो कि भाई बाहर पड़ोसी की लाइट आ रही है मुझे पता है उनके इन्वर्टर तो नहीं है लेकिन उनकी लाइट आ रही है पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है lit, is, uh, कुछ तो गड़बड़ है? है ना भाई यूपीएस ऑन कर लो <laughs> कुछ तो गड़बड़ है यस या राइट वट कुड हैपन हम ऊपर गए तो हमने देखा यार फैन चल रहा है सब कुछ चल रहा है अच्छा बल्ब दिस बल्ब इज एक्चुअली गॉन मॉनिटर है यहां पे हाँ यस फ्यूज नहीं कटा मेरे को पता चला कि भाई द बल्ब विच वॉज ग्लोइंग नाउ इट इज फ्यूज बाकी सब बल्ब जल सकते हैं मैंने एक बल्ब जला रखा था वो फ्यूज हो गया लाइट चली गई लेकिन पंखा चल रहा है बाकी बल्ब जल रहे हैं लेकिन बस यही बल्ब चला गया ये फ्यूज हो गया है ना यस ओ यू आर राइट बल्ब की स्पेलिंग गलत है इट्स बी एल यू बी हां ये तो ये भारी गलती हो गया यस वेरी गुड अब बल्ब में क्या हो सकता है हेलो जगन ठीक है हा इफ सेल इज नॉट यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वैष्णवी वेरी गुड क्वेश्चन इफ सेल इज नॉट यूज आइडियली आइडियली इट शुड नॉट गेट ड्राइड अप बट इट गेट्स वाई बिकॉज बिकॉज ऑफ इंटरनल लॉसेज इस पर मैं अभी और बात नहीं करूंगा आइडियल केस में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल केस में वो ना धीरे काम करता है क्यों इंटरनली उसमें लॉसेज होने लगते हैं कुछ 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 उस पर बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बात की बात है ठीक है हाँ फिलामेंट, फिलामेंट फिलामेंट ओके देखो भाई अब इलेक्ट्रिक बल्ब समझते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब पे हाउ मेनी ऑफ यू वॉच अ शॉर्ट एक शॉर्ट भेजा था हमने ऑन सिक्स टू एट चैनल नहीं सिक्सटी एट पर नहीं भेजा ना नाइन टेन में भेजा सॉरी या माई बैड यस देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी राइट अरे वाह नाइस सो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जाता है फिलामेंट फिलामेंट क्यों इतना ग्लो करता है

वेन करंट फ्लो थ्रू द फिलाेंट इट हीट्स अप लेकिन टंगस्टन का पता है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सर थर्टी थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट टेक्स सो मच हीट इट ग्लोज भाई जब वेन समथिंग हीट्स टू मच इट ग्लोज है ना भाई आयरन डॉट ऑल्सो बिकम्स रेड हॉट ना करेक्ट सो इट ग्लोज सो वेन इट इज ग्लोइ इट इज गिविंग लाइट ऑल्सो लेकिन लेकिन इन विंटर दैट फिलाेंट बल्ब इज मच आई वुड से इन डिमांड मतलब मैं तो मेरे को बड़ा लगता है इफ इन योर हाउस यू हैल्ब ना यू फील वेरी गुड वाई बिकॉज इट गिव ही काम हैल्ब डर टू गिव हीट उसको हीट देना था कि लाइट देना था फिलाेंट बल्ब का अक्सल में जॉब क्या था क्यों उसको हमने काम पर रखा था लाइट देने के लिए कि हीट देने के लिए यस yes. वेरी गुड इन गैस वोट लेट इज एक्सप्लोर लाइट देने के लिए है ना हीट के लिए अच्छा क्रीम नहीं सी द एक्चुअल जॉब ऑफ फिल्मेंट बल्ब इज टू गिव यू लाइट बल्ब बल्ब मीन इट शुड गिव यू लाइट नॉट हीट हीट इज अ लॉस बेसिकली हीट में एनर्जी खर्च हो रहा है लेकिन हमको चाहिए नहीं इट्स लॉस सो दैट्स वाई सेम थिंग सेम लाइट कैन बी गिवन बाय अ स्मॉलर वॉटेज एलईडी सो एलईडी क्या ज्यादा एनर्जी एफिशियंट होती है हम ये बोलते हैं ठीक है ये तो हुई कहानी इलेक्ट्रिक बल्ब की थोड़ा मैं इधर उधर बताने लग गया तुमको सॉरी एम फॉर दैट ठीक हैव दिस नेचर आई यूज एंड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा टू यूज आइज ठीक है भाई तो लाइट उसका काम था इसीलिए उसमें सौ वॉट का बल्ब और पंद्रह वॉट का एलईडी दे बोथ गिव सेम लाइट लेकिन वोट का एलईडी क्या है ना गर्म नहीं होता है इट मींस लॉस कम है उसके अंदर ठीक है यस इज कॉम्पैक्ट एलईडी बल्ब आ रहे आज आजकल यू माइट हैव सीन सूर्य एलईडी एलईडी राइट है ना हाँ देर इजामेंट इन एलईडी बल्ब हेलो रुद्राज ठीक है देखो ऊपर है ग्लास बल्ब इनर्ट गैस फिलामेंट मेटल बेस बॉटम कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फिलामेंट मतलब नीचे तो कनेक्शन है ही ऑब्वियसली फिलामेंट बिकॉज फिलामेंट इज ऑफ टंगस्टन फ्रॉम विच द करंट ओके इनर्ट गैस बिकॉज इनर्ट गैस प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अ ग्लास केसिंग राइट इन ग्लास केसिंग के अंदर होता है इनर्ट गैस उसके अंदर होता है फिलामेंट दैट्स इंपॉर्टेंट ओके हा एनर्जी एफिशियंसी आई वुड से सूर्य है ना यस ये नाइट्रोजन आर्गन वेरी गुड नोबल गैस Why Tungsten? Drishti Tungsten because trung, uh, Tungsten can be made into very thin wire and it has very high melting point, 3300 degrees celsius. This is a very rare quality. So, something which can be made so thin but it can, uh, you know, it has so high melting point. So, that's why. Tia, uh, Tungsten. Okay. Which part of electric bulb produces light? एलेक्स हेज दिस क्वेश्चन कैन यू हेल्प इम भाई एलेक्स पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस लाइट कैन यू आंसर सूर्या हार्डेस्ट आई वुड से ऑस्मियम आई थिंक इज द हार्डेस्ट केमिस्ट्री में आई एम नॉट श्योर बट ऑस्मियम इीडियम उनको हार्डेस्ट बोलते थे मैं क्या से दोबारा से इट्स ओके जॉर्डन

नेम ऑफ द फिलेंट इज टन ओके है ना शॉर्ट देखा है आपने वेरी गुड हा आई मेड अ शॉर्ट आई मेड अ शॉर्ट ऑन दिस बाय द वे ठीक है सो इन साइड अ लिक्विड नाइट्रोजन इट वॉज ग्लोइंग नाइसली सो एंड बाय द वे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू शूट आई एम वी आर प्लानिंग टू शूट एल्स डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो फॉर यू मिलेगा जल्दी मिलेगा पक्का वॉट इज इन साइड टॉर्च के अंदर क्या होता है जल्दी बताओ टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है एंड बाई दाला टॉर्च नॉट न्यू चार्जेबल टॉर्च यस अशोक आई कैन रीड यू गवर्नमेंट नहीं नहीं अभी एंड नहीं होगी रुद्राज थैंक यू अमृता एलईडी एलईडी ओके सेल इज देर बैटरी इज देर Filament is there. Tungsten. No, no. I mean, the tungsten is not there in torch. Acha, you can you are saying if I use a small tungsten bulb. Hmm. Okay. Means your answer could be right, could be wrong. I can't comment right now. Okay. Wire. Filament. Negative and ah, okay. two says Curved glass. Nice. Switch. Alright. Old torch me switch. Thank you, Vash बट फिलामेंट इज आई वुड से टिल बल्ब इज फाइन इन साइड द बल्ब नो नीट टू गो मे बी इट्स एन एलईडी बल्ब है ना वी डोंट नो सो टॉर्च इज अगर थिंग टॉर्च के अंदर बल्ब है बैटरी है स्विच है कनेक्शन है फिलाेंट है ना सो ऑल दीज थिंग्स बल्ब के अंदर फिलामेंट बोलने का जरूरत नहीं है दैट्स ओके ठीक है राइट चलो देखो टॉर्च पता क्या है टॉर्च एक सिंपल सर्किट है सेल वायर स्विच और बल्ब बस इतना सही चीज है है ना सो देखो अलैक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वॉट इज अलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन आई एम टेलिंग दिसम एग्जाम में आचा हैज इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट है ना दीज थिंग बहुत आसान है ना वेरी गुड सो अ सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो सर्किट कुछ नहीं है सर्किट ये सर्किट वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कहां सुना है एनी वन आई नो थोड़ा सा शायद नहीं सुना होगा सर्किट वर्ड इसके अलावा और कहां सुना है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी वेयर हैव यू हर्ड द वर्ड सर्किट यस नाइस वन अक्षत गुड फ्यूज शॉर्ट सर्किट एक कार्टून होता है अच्छा सर्किट शॉट थ्री इडियट्स मूवी ओ ओके हैव यू हर्ड इन एफ वन कार रेसिंग द होल ट्रैक उसको क्या बोलते हैं अंजल बहुत जगह से मिल जाते हैं एफ वन कार रेसिंग में सत्य प्रकाश इट शुड नो no? सर्किट यस यू नो आ दैट इज आल्सो क्वार अ सर्किट क्यों सर वो भी ऐसे ही तो होता है दैट इज ऑल्सो अ क्लोज पाथ तो सर्किट कुछ नहीं है सर्किट इज जस्ट अ पाथ ओनली राइट सो सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो एफ वन कार रेसिंग में क्या होता है सर सर्किट इज नथिंग इट्स अ पार्ट इट्स अ पाथ फॉर द कार्स टू फ्लो कार्स मूव यू कैन से है ना तो सर्किट 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 कहीं ना कहीं पाथ को बोलते हैं सिंपल है ना कंफ्यूज तो नहीं हो गए सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर फ्लो बस सिंपल है ठीक है अब सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या था? भाई बेसिक मिनिमम क्या चाहिए मेरे को आपको क्या चाहिए अमृता वॉट रिक्वायर टू बी इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म अट क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो भाई एक तो तुमको चाहिए सेल फर्स्ट इज सेल क्यों सर विदाउट सेल आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो ठीक है फाइन ऑल राइट देन वी नीड अ स्विच स्विच अगर नहीं होगा यू हैव कंट्रोल भाई आप ऐसा थोड़ी करोगे अगर स्विच नहीं होगा तो आप क्या करोगे वायर को काटेंगे अलग करने के लिए फिर जोड़ेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल सो स्विच इज टू क्लोज एंड ओपन द सर्किट स्विच है कंट्रोल के लिए ऑल राइट इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है वो अप्लायंस है जिसको हम यूज करना चाहते हैं बेसिकली राइट right? है ना यस टी आई इट्स ग्लास अप इन फिलामेंट बल्ब इफ यू कम क्लोज टू ग्लास डोंट टच इट इट्स वेरी हॉट डोंट टच द ग्लास इफ यू कम क्लोज टू द ग्लास नो यू विल फील द हीट ग्लास इज वेरी हॉट मिस्ड वायर येस एंड वायर तो ऑब्वियसली भाई पाथ है सो वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट

अब इलेक्ट्रिक करंट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आस्क यू समथिंग। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होता है यस कम ऑन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ प्रोटोन सही है हाउ मेनी टू फ्यूज अ बल्ब सिद्धार्थ एनी वे कैन जस्ट ब्रोक ब्रेक द वायर नो यू कैन फ्यूज इट दिवाली की लाइट के बल्ब में आई थिंक वो एलईडी वाले होते हैं ना कुछ कुछ में होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी नॉर्मली स्ट्रेट कर हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन वगैरह में बाद में Yes, हाँ, electron. No, 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 not electron. It is electrons only. I'll explain it to you. सुनो, सुनो, आरे मैं बताऊंगा तुमको. The reason I asked you this question is because of a historic misconception. History चली आ रही है और हमने एक चीज को as a convention लेके चला है and students get confused किसार हमने बोला electron जाता है minus से plus current जाता है plus से minus मतलब कि positive charge जाते हैं plus से minus

इलेक्ट्रॉन फ्लो ठीक है यस ऑल राइट अब सुनो हम बोलते हैं प्लस से माइनस जाता है करंट लिसन टू मी आई एक्सप्लेन एंड माइनस से प्लस नेगेटिव टू प्लस गोज इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्लस टू माइनस गोज करंट ये सुना है सबने यस और नो यहां तक सुना क्यों है कैसे बता रहा हूं मैं बट ये सुना है सबने यस yes. अक्षत आर एक्सप्लेन यू डोन्ट वरी स्वप्न इट गिव नो इलेक्ट्रिक करंट नीड्स समथिंग टू गिव लाइट अच्छा यूट दिस गुड ये राइट देखो लेसन टू बी कितने लोगों को कहानी पता है इसके बारे में थैंक यू पूर्णिमा हाउ मेनी इफ यू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस ठीक है सुनो सुनोटली देखो वेन इन द बिगिनिंग वेन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड करंट उनको यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं और पॉजिटिव क्या है बड़ा पॉजिटिव वर्ड है राइट पॉजिटिव वर्ड सच्चे पॉजिटिव वर्ड वी ऑल एज साइंटिस्ट थॉट करंट मे बी इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो पॉजिटिव सो वी सेट भाई इट गोज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल दिस इज पॉजिटिव दिस इज ओके बट लेटर सर जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और उनको पता चला कि भाई ओह हो रो इट इलेक्ट इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो इज नॉट द पॉजिटिव चार्ज लेकिन क्या है तब तक बहुत सारे थ्योरीज ऑलरेडी बन चुके थे अ लॉड ऑफ थ्योरीजर ऑलरेडी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ कन्वेंशन दैट से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड

इट कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट वाई कन्वेंशन मतलब क्या होता है इंग्लिश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन व्हाट डू थिंक टेल मी कम इलेक्ट्रिसिटी में न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है खुशी डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज इमेजिनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं पता इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इलेक्ट्रिक मोटर में आएगा ये आई यू अभी नहीं लेकिन कन्वर्टिंग पासिंग एक वर्ड मिसिंग है कन्वेंशन कन्वेंशन है ये वर्षा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है दे आर पार्टिकल्स एक एटम बना होता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर बाहर होता है इलेक्ट्रॉन राइट right? है ना ट्रेडिशनल वेरी गुड ट्रेडिशन कन्वेंशन मतलब होता है जरूर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट इट इट विल 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 बी ट्रू बट इज समथिंग वी वी ऑल बिलीव इन है ना इसको हम परंपरा परंपरा प्रतिष्ठा है ना ट्रेडिशन विल क्रिएट इट लाइक अ ट्रेडिशन कि भाई कन्वेंशनल करंट होता है प्लस से माइनस और इससे नुकसान भी नहीं था इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां से यहां दैट इज ट्रू बट वी विल अब दैट करंट और इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस गो फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज अमेजिनेशन है कन्वेंशन इट्स ट्रेडिशन वी विल ऑल फॉलो ठीक है ये करेक्ट है ना, yes, ना? बढ़िया ठीक <laughs> है चलो आगे चलते हैं तो यह हुई बात इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हेलो हर्षित है ना यस yes, ठीक है अब स्विच क्या है स्विच इज अ डिवाइस विच आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट स्विच का काम सिंपल है स्विच को या तो सर्किट कंप्लीट करना है या सर्किट को ओपन कर देना है है बस ठीक दैट इज व्हाट स्विच डज इजी ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता हम अगर स्विच ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं सर्किट ओपन राइट है, right? है ना यस yes. और अगर स्विच को ऑन करते हैं उसको बोलते हैं सर्किट क्लोज इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज लोकल लैंग्वेज में फैन क्लोज कर दो फैन क्लोज कर दो मतलब इफ यू इफ यू टेल योर ब्रदर और सिस्टर क्योंकि हम भाई बहनों को ही बोलते हैं ये सबका है ना अगर मम्मी को बोलो मम्मा फैन ऑफ कर दो एक दो बार तो हो जाएगा तीसरी बार बोले खुद ऑफ करो है ना यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लेटिनम गेमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुड बी एनीथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में वी गिव गिव सम नेम वी कॉल इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना राइट right? यस yes. शॉर्ट अबाउट सोलर पैनल इट्स अ गुड सजेशन प्लीज पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन वी आई द टीम टू टेक अ लुक यस ठीक है सो फैन क्लोज कर दो इफ यू इफ यू आस्क कैन यू क्लोज द फैन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कैन यू स्विच द फैन ऑफ विच इन टेक्निकल लैंग्वेज इट मीन की ओपन द सर्किट फैन ऑफ करने का मतलब है सर्किट ओपन करना यू वॉन्ट द करंट टू स्टॉप है ना बस ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है ठीक है यस सिंबल्स इन योर सिलेबस इज नॉट देयर वरी क्लास हैज इट राइट चलो भाई इन साइड ऑफ टॉर्च ये दिस डायग्राम इज देयर बाय द वे इन योर सिलेबस स्विच केसिंग इलेक्ट्रिक सेल्स रिफ्लेक्टर एंड बाय द वे इट्स ओके नो नीड टू मेक सच अ फैंसी डायग्राम जस्ट शो टू सेल्स है ना शो टू सेल्स रिफ्लेक्टर कर देना यह होता है टॉर्च के अंदर का व्यू अ ट होता है टॉर्च कंसिस्ट ऑफ अल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच टूर मोर से स्विच ऐसे ही होता है या तो स्लाइडिंग होता है कटक कटक वाला या फिर होता है छोटा बटन ऐसे टप टप वाला राइट right? अच्छा आपके बुक से अलग है हाँ सी डायग्राम के लिए आई एल शो इट टू यू इन इन क्वेश्चन सेशन आई एल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक अ डायग्राम बट मेक द सिंपलेस्ट ऑफ द डायग्राम ज्यादा बहुत भारी देखो माई ड्राॅइंग वॉज बैड सो आई यूजअली बिलीव कि भाई डायग्राम जितना सिंपल हो सकता है उतना होना चाहिए सो सेम विद यू इफ यूर ड्राइंग इज वेरी गुड एंड यू डोंट स्पेंड अ अलॉट टाइम ऑन दैट यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट बट मेक श्योर इट्स सिंपल एंड इट्स क्लियर क्लियर इज मस्ट ठीक है फाइन हाँ Yes, yes, Amrita. Huh. So, people, all your suggestions, please make sure you tell us in the comment section. They go, Chat will go away. Right? Chat is very difficult to track, but your comments are something which everybody reads. Right? All the team reads over here. So, whatever suggestion, whatever things you want to talk about, if you want to praise the team for their work, use the comment section. If you want the team to think of some idea, tell us. जस्ट कॉमेंट से यूज करने का बढ़िया चलो अच्छा चलो क्वेश्चन टू यू विच बल्ब ग्लोज फर्स्ट इस सर्किट में वेन आई टर्न द स्विच ऑन कौन सा बल्ब पहले चलेगा अंजल क्लास सेवेंथ में आई थिंक अभी आप लोगों का क्या चल रहा है बायो चल रहा है टुगेदर श्योरिया टूगेदर रियन सिंह आर्यन सिंह लेफ्ट अक्षर सिंह ब्लू अरे दोनों ब्लू हैं। सेकंड वाला ओके okay. आयशा सेकेंड सोनू सिंह फर्स्ट सुनो सुनो लिसन टू मी देखो एट आर होम इन आर होम ना यू कैन थिंक यू कैन थिंक कि भाई डू यू रिमेंबर दैट एनिमेशन आई शोड यू फॉर सेल द होल वायर हैड बॉल्स है ना सेल वॉज डूइंग जस्ट पिकिंग वन बॉल एंड पुशिंग इट इन दिस एंड टेकिंग वन बॉल एंड पुशिंग इट इन दिस एंड राइट यद याद है सबको वो एनिमेशन याद है ना अभी वी जस्ट सॉइट थोड़ी देर पहले देखा था हमने याद है ना है ना ठीक है नाउ लिसन टू मी अगर सेल का यही काम है तो थिंक एक दो तीन चार अरे यार बड़े बनाता हूं ऐसे होते नहीं है ठीक है ये वाली बॉल लेके अगर यहां घुसाया हमने एवरी बॉल विल शिफ्ट वन प्लेस नो हर बॉल एक एक प्लेस एक ही बारे में हो जाएगा और विल दाइम नहीं भाई आपने एक बॉल यहां से लिया इफ यू टेक वन बॉल फ्रॉम हेयर एंड इन सॉ इन दिस पाइप एवरी बॉल विल शिफ्ट वन प्लेस फॉरवर्ड दंट राइट सो करंट इज इंस्टेंटेनियस अच्छा आपने देखा नहीं हा लेजी एंड फास्ट वन राइट यस ठीक है सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट करंट इज इंस्टेंटेनियस सर वाई बिकॉज द ऑल द वायर हैड ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन भाई बस सेल ने क्या किया सेल डिड सेल टूक वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर एंड पुस्ड इट इन दिस वन राइट एंड पुस्ट इट इन दिस वन इसका मतलब द मोमेंट इट पुश वन इलेक्ट्रॉन एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली मूव है ना एक साथ मूव करेगा ओम सिंह व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इट कुछ नहीं है इट इज द इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनफाइनाइट फाइनेट ला अगर एक पॉइंट तक लेके आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन अभी फॉरगेट अबाउट इट इसको सोचो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे के दो लेवल्स हैं दो एनर्जी लेवल्स हैं एक तरह से ये मान के चलो अभी ठीक है हाँ सो अंजल व्हाट आई एम सेइंग इज देखो सेल का काम क्या है सेल का काम है टू टेक वन बॉल फ्रॉम हियर एंड पुश इट ओवर देयर The moment it takes one ball from here and push it there, every ball will shift. Right? every ball in the pipe will shift one one place together. That's what is happening. Current in the wire starts instantaneously because all the wire has all the electrons, right? right? Correct? Yes. Correct. Fine. So that's why. करंट इज इंस्टेंटेनियस देर इज नो डिले है ना सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर कितना इनकन्वीनियंट होगा सोचो वायर बनाना है ना पूरे घर में पानी के पाइप बिछे हुए हैं क्या फायदा लीक कर गया तो ओ नाइक चैतन्य थैंक यू फाइन ये क्लियर है जल्दी बताओ येस और नो हाँ मैम बोल आप गलती से बोल रहे हैं यार अच्छा यस गाइस फोकस ऑन द सेशन कम ऑन क्लियर हा डिजिटल वाटर इंसुलेटर अक्षत यस वेरी गुड अब सुनो जरा इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर हमने बोला कि सर वायर में इलेक्ट्रॉन थे विच कैन फ्लो हेयर एंड देयर राइट है ना नो नॉट क्लियर क्यों Guys, oh, इससे पहले मैंने एक, एक एनिमेशन दिखाया था बॉल वाला उसको देखना इसी सेशन में बात हो जाता है, कोई बात नहीं ओह वेरी गुड वाई फ्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर फ्यूज नहीं होगा तो हाई करंट पे कौन सर्किट काटेगा तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस बेसिकली वूल है एल्यूमिनियम है सुनो जरा इन दोनों में कौन बल्ब जलाएगा वूल या एल्यूमिनियम वॉट डू थिंक वूल और एल्यूमिनियम विच वन डू यू थिंक विल एनेबल द बल्ब टू ग्लो राइट इट्स ओके इट्स ओके एल्यूमिनियम राइट ऑब्वियसली एल्यूमिनियम सर हमको पता ही है एल्यूमिनियम करेगा क्यों एल्यूमिनियम तो दोपहर ही बनते हैं राइट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल कॉल्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड द थिंग इज वेरी सिंपल कंडक्टर कंडक्ट

अच्छा अरे हिंदी इंग्लिश में लड़ाई मत करो कुछ नहीं होगा ओम इज नॉट देर ही इज इन समेर सिल्वर इज अ कंडक्टर प्लास्टिक यस कवर करेक्ट हाँ पीवीसी कवरिंग वेरी गुड वेरी गुड बाकी बेकलाइट यस हम लोग जब बचपन में थे ना तो बेक लाइट को हम लोग पढ़ते थे बाकी लाइट ऐसे करके सो बट हाँ यूज टू डू ठीक है इंसुलेटर्स इंसुलेटर क्या होते हैं दो मेटीरियल विच कैन नॉट अलाउ द पास डिफरेंस किसका है सर फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री फ्री मेटल के इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ के जैसे वो यू कि घर के बच्चे हैं उनको बहुत आजादी है लेट्स से फ्री इलेक्ट्रॉन आर लाइक ऐसे हम लोग बोलते हैं कई बार ना घर में लड़के और लड़कियों के लिए एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली में कई बार ऐसा होता था एटलीस्ट माय सिस्टर यूज्ड टू से दिस कि भाई ब्रदर्स हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड वी सिस्टर्स हैव अ वेरी लेस फ्रीडम सो यू कैन थिंक एनालॉजी है बाय द वे ठीक है मेरे को पकड़ना मत बाद में तो ऐसे बोलते थे कि जो है जो भाई लोग हैं ना ये सब कैसा फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह है इनको फुल छूट है इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ जो बहनें हैं उनके लिए इंसुलेटर जाते हैं राइट सही दिस इज समथिंग सेम कंडीशन होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सो इंसुलेटर्स होल्ड इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली है ना कोई जाने नहीं देते सो दैट वाई दे डोंट है लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे छूटे हुए होते हैं कि वैसे खुले घूम रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर सो येस अच्छा सिद्धि वट एम से

ठीक है यस चलो भाई बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल्ड डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी इज मस्ट कभी भी नेवर ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर टेल मी ह्यूमन बॉडी अच्छा कंडक्टर है बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रॉन <laughs> ये सार का. Ooh. बर्ड वाला क्वेश्चन है यस हाँ साइंस मास्टर्स गुड है ना सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ह्यूमन बॉडी टिश्यूज एंड एवरीथिंग देर काइंड ऑफ अ गुड कंडक्टर्स राइट एंड यस इट इज मेड अप ऑफ वॉटर सो इसीलिए कभी भी वेट हाथों से स्विच को नहीं टच करने का ठीक है और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक शॉक आई डोंट नो किसी ने किसी को आज तक इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या इट्स वेरी डेंजरस वेरी 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 डेंजरस आई एम टेलिंग यू नेवर एवर एवर मेक श्योर दैट यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल वाइल्ड डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी लगा है क्या भाई जान निकल जाती है वो एक सेकेंड के लिए ऐसा लगता है बस जान बच गई आई एम टेलिंग यू क्योंकि मेरे को भी लगा है बस गलती से लगा था बट आफ्टर दैट आई एम वेरी केयरफुल सो आई एम टेलिंग यू यू शुड बी केयरफुल विदाउट इविन गेटिंग अ शॉक इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी डेंजरस ठीक है ये हाँ, पूरा शरीर हिल जाता है राइट नहीं right. <laughs> नहीं 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 ऐसे पास भी नहीं जाना ठीक so no, है सुनो है द नेगेटिव ओके ग्लास बल्ब क्या क्या होता है सर इज अ ग्लास इज अट गैस इज अ फिलामेंट मेटल बेस इन बॉटम कॉन्टेक्ट ओके इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन वी मेंटी

ठीक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर कंडक्टर वो मेटल्स जिनसे करंट पास हो सकता है इंसुलेटर वो जिनसे करंट पास नहीं हो सकता है राइट right? है ना यस टाइम टेबल रुद्रांश यू विल गेट द टाइम टेबल नो ऑन द चैनल वी यूजली पोस्ट द डेली टाइम टेबल ना ठीक है बुक नहीं खोल देगा बुक खोलो यार आप ऐसे मत करो एग्जाम है ठीक है नाकनी कटवाना एकदम फोड़ के आओ एग्जाम डोंट वरी ठीक है

अक्षत अक्षत हैज अ क्वेश्चन अबाउट बर्ड्स हम बोलते हैं कि इफ आई टच दिस आई गेट करंट बट बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स नाइसली वाई भाई ये वायर जा रहा है एंड लेट से दिस इज द बर्ड अरे यार हो ना मेरे से हा लेट से दिस इज द बर्ड सो बर्ड इज सिटिंग नाइसली उसको शौक नहीं लग रहा

मैं खत्म कर रहा हूं फिनिशिंग एम फिनिशिंग लिसन टू मी देखो पता है शॉक कब लगता है हमको पता है शॉक क्यों लगा बिकॉज योर फुट वॉज ऑन द अर्थ इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन और आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं दे यूजली यूज वुडन स्टूल्स या फिर रबर स्टूल्स ठीक है सो दैट्स वाई जो हमको शॉक कब लगता है व्हेन यू कंप्लीट अ सर्किट अगर आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे करंट फ्लो नहीं करेगा राइट right? अगर हम लोग लकड़ी के स्टूल पे खड़े हो जाएं और फिर सॉकेट को टच करें तो करंट नहीं लगेगा लेकिन ट्राई मत करना मैं बता रहा हूं क्यों आप खड़े हो आपके बगल में कोई और बंदा खड़ा है उसने आपको टच कर लिया तो करंट लग जाएगा यू डोंट ट्राई इट सो व्हाट इज हैपनिंग दिस बर्ड इज सिटिंग ऑन द लाइव वायर ठीक है ये बर्ड क्या है लाइव वायर के ऊपर बैठी हुई है चुपचाप अकेला वायर है सर्किट कंप्लीट ही नहीं है लेकिन अगर इस बर्ड ने न्यूट्रल वायर को भी टच कर लिया नाउ इट्स अ कंप्लीट सर्किट अब ये बर्ड गई ठीक है सर्किट नॉट बी इन द न्यूट्रल एंड ऑफ हर फुट इन द लाइव ठीक है अच्छा माई ड्रॉइंग इज बेटर नहीं बैड <laughs> ठीक है

प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है चैनल पे. इन केस यू अब चैनल पे क्या? आर नॉट एबल टू सी ऑल व्हाट टू डू प्लेलिस्ट इज अपडेटेड सी द प्लेलिस्ट. हाँ ठीक है yes. मिनट और Slippers. Slippers गिली नहीं होनी चाहिए. अरे वाह ओके व्हाट इज सॉकेट अरे वो जिसमें हम प्लग डालते हैं ना वो सॉकेट What if we add two bulbs to the circuit? If it is a series circuit, they will go dim. How can neutron generate electrical impulses? Neutron, no neutron as such compare नहीं करते. अब अगर उसके अंदर कुछ conversion हुआ radioactivity तो अलग बात है, but ऐसे neutron नहीं करते. कंडक्टर क्यों है अवेलेबल बिकॉज यू कैन से सिंपल भाषा में हमारी बॉडी फाइव परसेंट वॉट है और वाटर भी ऐसे डिजिटल वाटर थोड़ी है अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स आयंस बहुत सारे सॉल्ट्स है ना हमारी बॉडी में तो वो कंडक्ट करती है इसलिए ठीक है? Class, know, worry, ठीक है है नेक्स्ट टाइम क्लास यू विल गेट टू नो डोंट वरी शेड्यूल चलो भाई स्मॉल थिंग फॉर यू लाइक इफ यू हैवेन डन ऑलरेडी ठीक है भाई द टीम वर्किंग अ लॉट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज कवर्ड ठीक है लाइक like करो अगर अब तक तो नहीं किया है तो बिकॉज बार बार क्या ही बोलना है इसमें ठीक है शेयर करना दोस्तों के साथ वेरी इंपॉर्टेंट भाई वी हैव टू ग्रो द फैमिली और बच्चे चाहिए हमको कहा जनता ज्यादा स्मार्ट बच्चे रहेंगे और जस्ट मेक श्योर जैसे बच्चे ढूंढोगे ना अपने से ढूंढना आई वॉन्ट स्मार्ट किड्स लाइक यू ठीक है यस yes. है ना अच्छा और <laughs> राइट right. उसके अलावा सब्सक्राइब करो इफ यू आर न्यू एंड यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू यू वॉन्ट टू ग्रो योर सेल्फ Make sure you subscribe because you are missing on a lot. Okay? Chalo All right, guys. Take care. See you. Good night. Fir milte next time, Hana. Chalte chalte. All right. Bye bye.